ये है हमारी कार और इस कार के अंदर है 6 एयर बैग। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो सबसे पहला एयरबैग तो है यहाँ पर इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। अगर गाड़ी क्रैश होती है तो देखो मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तब किस कंडीशन के अंदर, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो फिर तो भूल जाओ, फिर तो कत्ले आम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि गाड़ी किसी न किसी वजह से क्रैश होती है तो होता ये है कि एकदम से स्पीड के अंदर बदलाव आने की वजह से जो ड्राइवर होता है वो इस तरीके से जाता है धम, और उसका जो माथा है वो यहाँ पे लग के फूट जाता है और मौत हो जाती है कई केसेस के अंदर। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पर है एक एयर बैग, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एयर बैग, ठीक है गाइस। लेकिन अलग अलग गाड़ियाँ आती है अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर, और उनके अंदर जो एयरबैग की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। इसके अंदर 6 एयरबैग हैं, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, देखो यहाँ पर है इस जगह पे, तीसरा इसके अंदर है, जो सीट है इसके अंदर भी एयरबैग है, जो चौथा है वो है यहाँ पर, यहाँ पे इस जगह इस तरीके से यहाँ पर, और एक ये रहा एयरबैग, देखो सीट के ऊपर भी लिखा हुआ है एयरबैग, और एक ये रहा इस वाले पे, एक दो तीन चार पाँच और छठा, छठा भी यहीं कहीं होगा, लिखा हुआ नहीं है लेकिन 6 एयरबैग है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो एयरबैग है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देखो ये किसी और गाड़ी का है और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट होता है और इस तरीके का दिखाई देता है। तो गाइस यार इस एयरबैग को तो हमने डिप्लॉय करके पिछली वीडियोस के अंदर आपको दिखाया था कि ये जो एयरबैग है ये किस तरीके से काम करता है, और जब हमने देखा तब आपके साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए थे, भाई और जो एयरबैग है वो इतना फास्ट होता है, इतना एक्यूरेट और इतने कमाल के तरीके से काम करता है। लेकिन कभी भी मैंने या फिर हमने ये वाला जो साइड वाला एयरबैग है इसे नहीं देखा है कि ये किस तरीके से खुलता है। ये वाला जो एयरबैग है ये इससे बिल्कुल अलग होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो सीट बेल्ट हटा लेता हूँ मैं, अब गाड़ी चल नहीं रही, तो देखो ये वाला जो साइड का एयरबैग है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो यहाँ से ये चपटा है, गोल नहीं है, और पीछे से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इसे फोड़ के देखने वाले हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से डिप्लॉय होता है और किस तरीके से काम करता है। तो गाइस यार आई होप ये जो वीडियो है आपके बहुत काम भी आएगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक धमाका भी है मस्त वाला अपन सबको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं, मुझे पता है कि आप लाइक तो करोगे लेकिन एम देना पड़ता है आजकल, टारगेट होना चाहिए ना लाइफ के अंदर, तो अपनी वीडियोज के अंदर भी एक टारगेट है 4 लाख लाइक्स का, फटाफट से इसे कंप्लीट कीजिए और हम इसे तबाह करते हैं यानी कि फोड़ते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार ये रहा हमारा साइड का SRS एयरबैग, और इसे हम एक सेफ डिस्टेंस से ही उड़ाने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है सोडियम एज़ाइड्स का और ऑक्सीडाइजर्स का, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन गैस निकलती है, और वो इतना तेज़ी से होता है कि भाई ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए आपसे कहूँगा कि आप ऐसा कुछ भी कहीं पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और हम फटाफट से 3, 2, 1 करते हैं। Thank you.
इससे पहले हमने जो एयरबैग उड़ाए थे उनका जो साइज था गाइस वो इसका आधा था। अभी ये देखो साइड वाला जो एयरबैग है और ये सच में बहुत बड़ा है। ओह शिट, देखो ये इस तरीके से फूला है। और पता है पहले देखो यहाँ पर इसके अंदर भी वैसे ही छेद है, सेम जैसे कि उस स्टीयरिंग वाले के अंदर होते थे। देखो इसके अंदर भी, देखो यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर जो गैस निकलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि भाई इसको ही तबाह कर दे, इसीलिए यहाँ पे खड्डा है ताकि जो एक्स्ट्रा गैस हो वो यहाँ से निकल जाए। देखो इस साइड में भी है, देखो ये रहा। और पहले मैं सोच रहा था कि जो एयरबैग है वो इसे फाड़ के निकलेगा, यानी कि ये जो कवर है ये पूरा ही उखड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ से ये जो प्लास्टिक थी ये कमज़ोर थी और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर आया। देखो ये रबर की तरह है, घस जो है यार, वैसे काफ़ी मजबूत है लेकिन एयरबैग इतना पावरफुल था कि उसने इसे उखाड़ दिया। देखो देखो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस। ओ गाइस आप देख सकते हैं कि एयरबैग जो है दिखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने काफ़ी अच्छे से काम किया है, क्योंकि इन्हें बनाया ही काफ़ी कमाल के तरीके से और कई बार इन सब चीज़ों की टेस्टिंग होती है फिर इन्हें गाड़ियों के अंदर डाला जाता है। टेस्टिंग इन द सेंस मतलब कि प्रॉपर मैकेनिज्म काम कर रहा है या फिर नहीं, इस तरीके की। मैं थोड़ा सा इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अंदर से दिखा दूँ। विक्रम मदद करना, ये देखो ये निकल गया, ये देखो ये रहा अंदर से। देखो भाई तो अंदर से इस टाइप का जो एयरबैग है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का। एक काम करते हैं चाकू से इसे काट देते हैं और फिर अंदर देखते हैं कि अंदर हुआ क्या, अंदर मतलब किस चीज़ के अंदर आग लगी या फिर क्या हुआ। चाकू से इसे यहाँ से उड़ा देते हैं। A few moments later. ओ भाई साहब, अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पटाखा होगा, अनिल बम अनिल बम जैसा सिस्टम लग रहा है गाइस। अभी देखो मैं आपको पूरा काट के इसे दिखाता हूँ, है ना, वैसा लग रहा है अनिल बम, अंदर अनिल बम फिट किया गया हो वैसा, बिल्कुल सेम वैसा ही सीन लग रहा है अंदर। गाइस देखो अभी देखो ये देखो अंदर से कुछ इस तरीके का है। ओ भाई साहब ये जो सिलेंडर है गाइस ये गर्म हो रखा है और ये लोहे का है और वहाँ पे देखो जाली टाइप का कुछ है और उसके अंदर से ही जो गैस है वो निकलती है। क्या बात है यार, इधर भी देखो, नहीं सिर्फ एक साइड में जाली टाइप का है। अरे तेरी ये अलग है यार, मेरे हिसाब से ये सोडियम अजाइड्स वाला फंक्शन वाला नहीं है, अंदर तो एक सिलेंडर है यार। ये देखो गैस की टंकी नुमा कुछ है और वो उसके अंदर मेरे हिसाब से प्रेशर भरा हुआ था और वो एकदम से रिलीज हुई। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के एयरबैग आते हैं। बाकी जो मोस्ट कॉमनली वो जो स्टेयरिंग वाला था उसके अंदर तो सोडियम एजाइड्स और ऑक्सीडाइजर होता है, उन दोनों की रिएक्शन से धुआं निकलता है और वो तेज़ी से फूल जाता है, लेकिन इसके अंदर मे भी सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। मे भी, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसे ऐसे देखने से पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर सिलेंडर है इतना तो कन्फर्म है। तो गाइस ये देखो इस तरीके का होता है एयरबैग जो कि अपनी जान बचाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एयरबैग भी सिर्फ तभी जान बचाता है अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी हो। तो जब भी आप ड्राइव करें या फिर आपके घर में या फिर कोई बड़े ड्राइव करें उनसे ज़रूर कहें कि सीट बेल्ट जरूर लगाए, वरना एयरबैग उल्टा आपकी जान ले सकता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों को कभी भी आगे की सीट पर बिठाए तो एयरबैग ऑफ भी करना होता है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।